गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे इज नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, बॉडी मूवमेंट्स. इसमें आपको डिफरेंट टाइप के अपन मूवमेंट्स स्टडी करेंगे, स्केलेटन सिस्टम स्टडी करेंगे. स्केलेटन सिस्टम के अलावा अपन बॉडी में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स की बोन्स को, जॉइंट्स को इसमें स्टडी करेंगे. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला, जैसा कि ये मूवमेंट हेडिंग है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन. तो सबसे पहले आपको जो राइट करना है नोट्स के फॉर्म में, सबसे पहले मूवमेंट हेडिंग डालेंगे और मूवमेंट की डेफिनेशन आपको राइट करनी है. द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. कोई भी बॉडी है जिसके पार्ट में कोई सा भी चेंज हो, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट. वही क्या है, बॉडी का मूवमेंट है. तो ये आपको डेफिनेशन आपको राइट कर लेनी है कि बॉडी में काफ़ी सारे पोजीशन चेंज वगैरह होती है एक डायरेक्शन में, उसी को क्या कहते हैं, मूवमेंट. ये मूवमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी. इसके बाद में लोकोमोशन, लोकोमोशन आपको हेडिंग मेंशन करनी है, फिर इसकी डेफिनेशन आप राइट कर लीजिएगा. द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर एन वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, बॉडी का मूव करना ही क्या कहलाता है, लोकोमोशन. तो मेजरली डिफरेंस देखें मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है, इसको अपन ट्रीज के जरिए समझे. जैसे मान लीजिए ट्रीज की लीफ क्या करती हैं, मूवमेंट उसमें होता है, हिलती रहती, लेकिन उनमें लोकोमोशन नहीं मिलता, ठीक है, वो एक जगह ही फिक्स रहते हैं. जैसे ह्यूमंस है, एक जगह बैठे बैठे मूवमेंट करते रहते हैं, हाथ का हिलाना, पल के झपकाना, ठीक है, बॉडी का इधर उधर मूव करना, ये तो हो गया मूवमेंट. और बाकी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना पैरों की हेल्प से, इसको क्या कहते हैं, लोकोमोशन. तो आप दोनों की डेफिनेशन आप इसमें राइट करेंगे कि पोजीशन में कोई भी चेंज हो कोई भी डायरेक्शन में, वो तो क्या है, मूवमेंट. और होल बॉडी क्या करती है, मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, वन पैलेस टू अनदर पैलेस कॉल्ड लोकोमोशन, इसको अपन लोकोमोशन कह सकते हैं. तो ये दोनों डेफिनेशन राइट करके, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन में आपके 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं. लोकोमोशन हेल्प एनिमल इन सर्वल वेज, इट हेल्प देम टू. अब लोकोमोशन अलग अलग टाइप के एनिमल्स में अलग अलग टाइप से ये ऑब्जर्व किया गया है, और इससे उसको क्या हेल्प मिलती है वो अपन इन पॉइंट्स के जरिए स्टडी करेंगे. फाइंड देयर फूड एंड वाटर. लोकोमोशन जो भी जनरली एनिमल्स हैं वो अपने फूड के सर्चिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, जाते हैं, पानी की तलाश के लिए, ठीक है, अपनी थ्रस्ट को बुझाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, खाने के लिए, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट होते हैं, गमन करते हैं. सेकंड है प्रोटेक्ट देमसेल्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एनिमीज और प्रेडेटर्स होते हैं फॉरेस्ट में, उनसे बचने के लिए भी वो क्या करते हैं, लोकोमोट होते हैं, मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, सेफर पैलेस की साइड में, ताकि अपने आप को हाइड करके वो उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. तो ऐसा किसके जरिए होगा, पैरों की हेल्प से. तो वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं, लोकोमोट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मूव फ्रॉम एन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट टू फेवरेबल एनवायरनमेंट. तो काफ़ी बार क्या हो जाता है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाता है जिसमें खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है. तो ऐसे में एनिमल्स क्या करते हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट की साइड में मूव हो जाते हैं. जैसे आपने डिस्कवरी पे देखा होगा काफ़ी सारे लॉयंस होते हैं, एलिफेंट्स की फैमिलीज होती हैं, उसमें दिखाया जाता है जब अनफेवरेबल टाइम होता है, लाइक समर सीजन जब रेन होती नहीं या ड्रोट एरिया होता है, तो ऐसे में वहाँ खाने पीने की कुछ चीज़ें ही नहीं होती हैं. हालांकि एलिफेंट्स वगैरह क्या करते हैं, बार्क वगैरह से अपना काम चला लेते हैं, ट्रीज की बार्क खा लेते हैं वो, जिसमें मॉइस्चर भी होता है जिससे उसकी थ्रस्ट क्या हो जाती है, प्यास बुझ जाती है और साथ में एनर्जी भी मिल जाती है. बाकी फिर भी ये क्या कर जाते हैं, ऐसे प्लेस को
की तरफ से डाइवर्ट हो जाते हैं, जहाँ क्या है फेवरेबल कंडीशंस है, ग्रास ज़्यादा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये अपने पैरों की हेल्प से क्या करते हैं वहाँ से लोकोमोट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। यदि अनफेवरेबल कंडीशंस में ही रहे तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं वहाँ से चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं फेवरेबल एनवायरनमेंट की साइड में। नेक्स्ट है फाइंड सूटेबल प्लेस फॉर लेइंग एग्स और रियरिंग देयर यंग वंस। इसके अलावा सूटेबल प्लेस देखते हैं, जगह देखते हैं जहाँ ये बच्चे रिप्रोड्यूस कर सकें, एग दे सकें। तो ऐसे सेफर प्लेस के लिए भी इनको क्या होता है होना होता है, लोकोमोट होना होता है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम स्केलेटन सिस्टम स्टडी करेंगे। इससे पहले एक डेफिनेशन और राइट कर लीजिएगा आप, एक्सरेज। एक्सरेज हेडिंग डालेंगे, इसके बाद में आपको एक्सरेज के बारे में ये जो डू यू नो का पार्ट है ये आपको नोट कर लेना है। जो एक्सरेज को जिसने सर्च करा था ये जर्मन फिजिशियन थे, विल हेलम कॉनराड रोंटेजन। ये क्या थे, एक जर्मन फिजिशियन थे, विल हेलम कॉनराड रोंटेजन, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर करा। इन 1859 में ही ये डिस्कवर हो चुकी थी, जिनको एक्सरेज कहते हैं। इन्होंने ये बताया कि ये जो एक्सरेज है ये टिश्यूज़ को तो क्या कर लेती है, पास कर लेती है, लेकिन बोन्स को ये क्या नहीं कर पाती, पास नहीं कर पाती, क्रॉस नहीं कर पाती। और इसका यूज नॉर्मली डायग्नोस सेक्टर में होता है, एक्सरे वगैरह निकालने में, आपने भी देखा होगा, इनको एक्सरेज कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन स्केलेटन सिस्टम स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।